सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग तय हो गई है और इसके साथ ही अब दोनों में नजदीकियां और गहरी होती हुई नजर आ रही हैं। मणिपुर से शुरू होकर यूपी पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अब अखिलेश यादव भी 25 फरवरी को शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस और सपा के इस मजबूत साथ से यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता के साथ साथ अन्य पार्टियों से भी बढ़ चढ़ कर समर्थन मिल रहा है। सपा कांग्रेस के बीच चल रही गठबंधन की बात और फिर सीट शेयरिंग को लेकर बनी सहमति से अब दोनों पार्टियां मिलकर काम कर रही हैं। मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय यूपी में है, जहां अब सपा मुखिया अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में 25 फरवरी को शामिल होने जा रहे हैं। अखिलेश आगरा से उनके साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी अखिलेश यादव ने रायबरेली में न्याय यात्रा से जुड़ने का ऐलान किया था, पर वहां का अपना कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिया था। सीट शेयरिंग को लेकर बनी सहमति के बाद अब कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सपा 63 सीटों पर उतरेगी। अखिलेश और राहुल के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक साथ चलने से बीजेपी को तकलीफ होगी, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा यही कोशिश की कि किसी तरह इंडिया गठबंधन टूट जाए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।